तो गाइज ये देखो पानी, रोड ऊपर भी जाम, नीचे भी जाम, गाड़ी तो गाड़ी, रेलगाड़ी भी जाम से नहीं बच पाई। और देखो हमें तो वाटर क्रॉसिंग अभी क्रॉस करने पड़ रही है जेएनके पहुंचने से पहले ही, और ये हमारे से बहुत आगे चल रहा था। V8 इंजन लैंड क्रूजर 1.25 करोड़ की गाड़ी, और अब देखो ये भी हमारे पैरलर चल रही है, इक्वली चल रही है। तो आप ये देख सकते हो कि उसको छोड़ो हमारी स्पीड कैसी रही होगी, तो हम बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। तो ये देखो कितना डीप है, बड़ा डीप है। इससे एक चीज याद आती है, नदियों पार सजन नु जाना। वो देखो कितना डीप है भाई साहब, गाड़ी देखो, लैंड क्रूजर देखो, लैंड क्रूजर का क्या हाल है। माय गॉड भाई साहब, तुमको क्या हाल हुआ पड़ा है। ये अपना ये जो रोड बनाने वाला क्या बोलते हैं इसको, ये अपन अगर जो भी बोलते हैं, गाड़ी की रेस देनी पड़ेगी भाई साहब, इस वजह से जाम है। ये देखो, एहो मैन कितना पानी है, कितना पानी, मतलब आधा डूब चुका है। कोई फर्क नहीं, इतना ही पानी हो, कोई फर्क नहीं। जो मेन जाम था ना वो इसी वजह से था, इसी कारण के वजह से। देख रहे हो ओडी, ओडी कहाँ डूबी पड़ी है वो देखो, हम ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे डीप में। अपनी गाड़ी हो कहीं भी उतार दे, और मेरी होती ना तो मैं तो थार खुदाते हुए जाता यहाँ से, शीशा बंद कर ले नहीं तो कोई चेपा लगा देगा। ओ मैन, कभी रेलगाड़ी को देखा पानी के साथ सरवाइव करते हुए, देख लो आज, देख लो आज, देख लो। इंडियन रेलवे भाई साहब कितना पानी है, सीरियसली यार कांट इमेजिन। ये हमने इमेजिन नहीं करा था कि मैं दिल्ली छोड़कर हरियाणा हमें ये देखने को मिलेगा। ट्रक वाले ने तबाही मचा दी। ये किसी के यहाँ पे टायर छूट गए देखो, ये आपको दिख रहे हैं, हाँ ये पहिया पड़े हैं, ये किसी के दो टायर छूट गए। चलो जी फाइनली अब पता चला ये जाम किस चीज का है। ओ खत्म हो गया, आगे का पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इसमें टू व्हीलर वाले कुछ गाड़ियां खड़ी हो गई हैं पानी घुसने की वजह से। चलो अब निकलते हैं आगे।